चिप कमाने के लिए उसको भेज देना है। तुमको? हाँ। का है? जमीन किनने के लिए। सनिचरी में तुम्हारा माँ पैसा लग के तरह इतनी भैल बड़ी जमीन किन दे, तार माँ आगे बढ़ जाइए, घर बनवा दे, मामा बोले था। तो मतलब तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, कमाना है? हाँ। तो कौन सा काम करते थे वहाँ? आलू ओल बीनते हैं। अच्छा, आलू बीनते हैं। कितना रुपया मिलता है? 2000 महीना। हाँ। वहाँ से चोरों के भांति उठा लिया गया। जब हम आए बसवरिया खोजने के लिए, हम अपने बच्चों को, तो एक मंदिर के पास छुपाया गया था। रात तक हम इसको खोजे और पिटाई भी खाए हम। सातिया में है और बेतिया के ये बगहा है, और बगहा में है, और यहाँ एक ऐसा मामला आया है जिसे आप सुन के अचरज में पड़ जाएंगे। क्योंकि मामा जो होता है, मामा जो शब्द है, दो अर्थ होता है, यानी कि डबल मामा है। माँ मतलब माँ एक होती है, लेकिन जो मामा जो शब्द है डबल मामा हो जाता है, मतलब डबल माँ। ठीक वैसे ही एक उदाहरण मामा का कोई है तो, अगर भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच में था, जो वो मतलब कह सकते हैं एक तरफ से दुश्मन भी होता है। दुश्मन इसलिए होता है कि उनको लगता है कि अगर हमारे विरासत में कोई छीना छानी करेगा तो मेरा भागीना छीन सकता है या हमसे, ये चीज़ें हैं। लेकिन मामा का जो मीनिंग होता है, बहुत लोग बहुत अच्छे से समझा देते हैं, बहुत अनमोल रिश्ता होता है मामा और भगिने का। लेकिन ये जो रिश्ता है, इन जो बच्चों का जो रिश्ता है मामा और भगिना के बीच, इन बच्चों को ले जाके, जैसे ये बच्चे बताएंगे चाहे इनसे भी हम पूछेंगे, इनको ले जाके यहाँ से बेच दिया गया था। और इन बच्चों से, आप समझिए, इन बच्चों का उम्र 12 से 13 साल होगा, और इन बच्चों से मजदूरी कराया जा रहा था। आप सोचिए कितना छोटे बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनसे मजदूरी कराया जा रहा था, ये कैसे हो सकता है? क्या नाम है आपका? प्रियांशु। आपका नाम क्या बेटा? सोन। आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पर, इसी में पढ़ते हैं। हाँ। आप लोग कहाँ रहते थे? बस बगहा में। बगहा में। ये कौन है आपके? पापा। पापा हैं। क्या मामला क्या हुआ था? आप बगहा रहते थे तो कौन उठा ले गया? मामा फोन आया था, चाची फोन करके बताई थी वहाँ पर है डेरा में, जाइए उठा लीजिए उसको, रांची कमाने के लिए उसको भेज देना है। तुमको? हाँ। का है? जमीन किनने के लिए। सनिचरी में तुम्हारा माँ पैसा लग के तरह इतनी भैल बड़ी जमीन किन दे, तार माँ आगे बढ़ जाइए, घर बनवा दे, मामा बोले था। तो मतलब तुम लोग को पढ़ना नहीं है, कमाना है? हाँ। तो कौन सा काम करते थे वहाँ? आलू ओल बीनते हैं। अच्छा, आलू बीनते हैं। कितना रुपया मिलता है? 2000 महीना। हाँ। सोचिए आप, बच्चों से मजदूरी कराया जा रहा था, और 2000 रुपयों के लिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, इनके पिते जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो बहुत अच्छा इनको घुमाते फिराते भी हैं, पढ़ा लेते लिखाते हैं, फिर इनके साथ भी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पर आए थे, मामा को बुला कर बाइक लेकर लेकर भाग गया। यहाँ पर ये लड़का रह गया, रो रहा था, इसको मंदिर के पीछे लुकवाया था दुकान में, तो दुकान में से निकाला था झगड़ा के बाद, पिटाया था ना पापा, तो डरे निकल के बाहर छोड़ाने आया था। इसको तो मारा था। कौन मारा था? चाचा और सिर्फ क्यों मारा था। अच्छा, एक बात और बताओ, तुमको बगहा से, वो रांची से कौन लेकर आए? रांची से मामा। मामा। हाँ। यहाँ, फिर यहाँ कैसे पहुँचे पापा के पास? नवलपुर से हमको बस धरा दिया था। तुम भी थे साथ में? ना। तुम नहीं गया था? नहीं, यहाँ पर आए थे तो हम रोने लगे नू, तब मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, तो दादी मुझे मंदिर तक रुको लुकवा दी, और मैं पिटा पापा लगे पिटाए नू, तो मैं निकाले निकल तो लगल मारे, तो कौन मारा? चाचा लगल मारे, तो पापा के बुआ हाँ हमी के खोजन तनु, तो लगल मारे, हम मंदिर तक लुका हमरा के ना आवे दे, पिटा तो ना आवे दे। मतलब पापा को चाचा लोग क्यों मार रहा था? हाँ, हम लोग खोजने आए थे। अच्छा, वो मतलब क्यों नहीं खोजने दिया जा रहा था? नहीं कि इसको न पहुंचा दें रांची कमाने के लिए। अच्छा, कमाने के लिए। हाँ। सही बोल रहे हो ना? हाँ, सही बोल रहा हूँ। तुम रांची नहीं गया था? ना, हमें यहाँ पर रोने लगे। इनसे जानते हैं, इनके दोनों लड़के हैं, इनसे जानने का क्या मामला? सर, बात ऐसा है कि हम अपने मामा के यहाँ गए थे, इस लड़के को हमारे मौसी के यहाँ रख करके, और उसी दिन हमको हॉस्टल में भर्ती करना था दोनों को,
हमारे सर लोग बोले कि बच्चों को हॉस्टल में भर्ती कर दीजिए, तो उसी दिन बात हुआ था, ये लड़का सब जानता है इस विषय में, और उसी दिन इस लड़के लोगों को वहाँ से चोरों के भांति उठा लिया गया। जब हम आए बसोरिया खोजने के लिए हम अपने बच्चों को, तो एक मंदिर के पास छुपाया गया था। रात तक हम इसको खोजे और पिटाई भी खाए हम 7 आदमी से। मतलब अपने बेटे को खोजने से लोग क्यों मारेगा? ये लोग देखिए, इन लोगों को मकसद है कि हमको बर्बाद करना, ठीक है, मकसद यही है। इसीलिए ये हमारे भाई है एक, और उसकी पत्नी है एक, मेरी बहन नहीं लगती, उसका बाप खुद जिंदा है चनपटिया में, उनका पिताजी का नाम है प्रभु शाह, वो हमारे घर आके टकराव कराती है, जब भी आती है तो टकराव कराती है। हमारे पिताजी गुजर गए, हमारे माँ का 2 शादी, एक पहले चनपटिया हुआ था, तो हमारे नाना जी क्या किए कि वो खराब आदमी था तो वहाँ से छुड़ा के यहाँ ला के शादी कर दिए। तो वहाँ तो इस औरत को जाना ही नहीं चाहिए, छूटा छूटी जब हो गया तो जाना नहीं चाहिए, फिर भी जाती है तो हम वहाँ मेरा प्रतिष्ठा जाता है, वहाँ हमको बताना पड़ता है कि क्या लगते हैं क्या नहीं लगते हैं, समाज में हम बैठते हैं। उस बहन का यहाँ कोई हक ही नहीं बनता है कि यहाँ आके लड़े, उसका पिता अभी जिंदा है, हमारे पिता 30 साल पहले गुजर गए। बहन की शादी हुई है, उसकी शादी हो गई है, तब उसका यहाँ से हक कहाँ से? कोई हक नहीं है, फिर भी आकर के यहाँ लड़ाई टकराव कराती है। जो भाई है वो आपके अपने भाई हैं? जी अपने भाई हैं, एक भाई है। वो उनका सपोर्ट क्यों करते हैं, आपका क्यों नहीं करते हैं? उनको बेईमानी टाइप का है कि हम इसको मिला के रखेंगे तो इनका घर भी ले लेंगे हम। आपको बेईमानी है कि उनको बैमानी? नहीं सर, हमको क्यों बेईमानी होगा, हम तो उनको सरस्वती पूजा में एक्सीडेंट हुआ था तो हम अपना भी जमीन, हमारा भी हिस्सा था उसमें, तो 7 लाख रुपया लगा के हम जिंदा कराए उनको। एक छोटा भाई था, वो शादी नहीं हुआ था, उनकी औरत अपने पत्नी से संपर्क करवा दी, मैंने अपने बहन से, अपनी बहन से करवा दी, जिनका साली से और हमारा भी कमी नहीं, अपना भी कमी नहीं, वहाँ ले आके देता था दोनों भाई। हुआ क्या कि सर एक दिन वो उस लड़का को समझ में आया कि गलती कर रहे हैं हम, बाद में जब समझ में आया तो क्या किया, इन लोगों से पूछा कि अपनी माँ से बोला कि जैसे हम लोग बड़े भाई को अलग कर दिए वैसे इसको भी अलग करो, 10 लाख मेरा नुकसान कर दिया। उसके बाद झगड़ा हुआ और उसको मजबूरन मिट्टी तेल गिरा के जलना पड़ा घर में, जी जी आत्महत्या किया। तो सर हमारे साथ भी वैसा ही करने का प्रयास हो रहा है सर, टॉर्चर किया जी, टॉर्चर किया जा रहा है। प्रशासन से आपने आवेदन दिए हैं सर? उसमें बहुत लेट हो गया सर, आज 10-15 रोज हो गया सर। बड़ा बाबू से बोलते हैं जो फर्ज बयान बेतियाँ हैं तो उनका मंगाना काम है, तो बोलते हैं आज मंगा लेंगे कल मंगा लेंगे। ऐसे हमको एम्स जाना था दिल्ली इलाज कराने, एक मीटिंग भी था हमारे कंपनी का, सोचे कि उसी में हम अपना इलाज भी करवा लेंगे, तो बड़ा बाबू बोले कि ठीक अच्छा, है आपके पत्नी से आपका बनता है कि? सर देखिए हम तो मार्केट में रहते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, 10 बजे 8 बजे रात को आएंगे, बच्चे लोगों को ध्यान नहीं देती है, क्यों? ना जाने क्यों, इतना दिन से तो मम्मी जी, मतलब मम्मी ने देख रही। नहीं सर, अगर मम्मी देखती ना तो ऐसे बच्चे नहीं रहते। मम्मी जो हमारी भवे है उन लोगों को लड़की को अपना समझती है, हमारे बच्चे को अपना नहीं समझती है। उनका जन्म वो नहीं जन्म दी है? जन्म वही दी है, लेकिन उसके माथे में क्या हुआ है भगवान जाने। मामला ये समझने का प्रयास करते हैं, हालांकि ये समझ से परे ये भी चीज़ है सर, हमारी पत्नी जो है हमारे आमदनी के जो भी हम आमदनी करते हैं उसमें से चुरा चुरा के अपने भाई को देती है, वो तो कमाता नहीं है, उसका बूढ़ा बाप है, उस गांव के लोग खुद बोलते हैं कि तुम्हारा कमी नहीं यहाँ पर आकर ही लोग बन गया, उस गांव के लोग। अभी जाइएगा सर आप लोग, रिपोर्ट ले सकते हैं। फिलहाल पूरी स्टोरी समझने का प्रयास किया गया, आप बताइए कमेंट करके कि ये रिलेशन में क्या है क्या नहीं है। हालांकि इन्होंने आवेदन भी दिया है थाना में, लगातार थाना ये प्रयास करेगी, जाँच करेगी, उसके बाद ये स्पष्ट रूप से हो पाएगा। फिलहाल बात आपकी देख रहे थे, कैमरे के पीछे सहयोगी करण है, मैं दीपक सिंह कश्यप, धन्यवाद।